बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां पर 5 दिवसीय जखोली कृषि औद्योगिक और पर्यटन विकास मेले का समापन हुआ है। समापन के मौके पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने 1,45,00,000 की लागत से नव निर्मित ब्लॉक सभागार समेत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नव निर्मित मूर्ति का भी अनावरण किया है। सभागार तैयार होने पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र की जनता को बधाइयां दी है। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारे प्रदेश के विकास और उत्थान में मेलों का बड़ा योगदान रहा है। यह मेल केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी केंद्र है। घर और खेतों का ख्याल रखने वाली हमारी मातृशक्ति किसानों स्कूली छात्रों के मेले के एक बड़ा मंच उपलब्ध करवाते हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, आज समापन में कृषि एवं औद्योगिक विकास मेले जखोली में मुझको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। मैं सारी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेला कमेटी का। उसी के साथ साथ हमें आज वहाँ पर जो ब्लॉक है उसके जो भवन का उद्घाटन किया है, समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, ब्लॉक प्रमुख जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उम्मीद यही करूँगा, सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना आसान होता है लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। मैंने उनको वहाँ भी यही बोला है कि इसकी मेंटेनेंस अच्छी रखिएगा। और मेले में हमारी गायिका एवं नेगी जी भी आए थे, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा उत्साह था लोगों में। उन्होंने कुछ डिमांड रखी है एक टाइल कराने की और वहाँ पे SDM पोस्ट करने की तहसील में, तो हमने उनको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ये दोनों काम पूरे।